प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी भी अनुपात दिया हो तो हम क्या करते हैं कि उन अनुपातों के साथ एक्स एक्स लगा करके वो राशि मान लेते हैं। जैसे यहाँ कोण है तो माना चतुर्भुज के कोण कौन कौन से मानेंगे, 3x, 5x, 9x और 13x। अब ये हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री, अर्थात 3x+5x+9x+13x बराबर 360 डिग्री। अब 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17+13 30 और x 30x=360 डिग्री। तो इसका मतलब x=360 डिग्री/30। 0 से 0 कैंसिल, 12 + 3 = 36, x=12 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोण हो जाएंगे, इसलिए चतुर्भुज के चारों कोण बराबर 3x है तो 3×12 डिग्री, 5x है तो 5×12 डिग्री, 9x है तो 9×12 डिग्री और 13×12 डिग्री। तो 12 + 3 = 36 डिग्री, 12 × 5 = 60 डिग्री, 12 × 9 = 108 डिग्री और 13 और 12 की गुणा करेंगे तो 156 डिग्री। तो ये आंसर आ जाता है। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आगे सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। देखिए कि मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, तो इसके विकर्ण विकर्ण ए सी और बी डी यहाँ पर हमें दिया है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बराबर है। या समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर क्या है, बी डी, ये आपको दिया है। और आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है। अब इसका प्रूफ देखिए, कि यहाँ त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी
त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि ए डी भुजा बी सी भुजा के बराबर है, ए डी बराबर बी सी। क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में, कौन कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ और दूसरा इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। तो ये ए बी जो है इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। और तीसरा इसमें बी डी बराबर ए सी दिया हुआ है, बी डी बराबर ए सी यहाँ देखिए दिया है आपको। ओके, तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से भुजा 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 सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगी त्रिभुज बी ए डी की। जब ये सर्वांग सम होगी तो कोण ए कोण बी के बराबर होगा, कोण ए कोण बी के किस क्यों बराबर होगा? क्योंकि सीपीसीटी द्वारा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। लेकिन कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि कोण ए और कोण बी, देखिए बी सी समांतर है और ये त्रियक रेखा, तो त्रियक रेखा के एक ही ओर बने कोण है, त्रियक रेखा ए बी के एक ही ओर बने कोण। अब ए को हमने क्या कह रखा, बी के बराबर, तो इसका मतलब बी प्लस बी बराबर 180 डिग्री, यानी दो कोण बी, एक बी और एक बी, दो बी हो गए, दो बी बराबर 180 डिग्री, इसका मतलब कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब कोण बी जो है 90 डिग्री सिद्ध कर दिया हमने, तो समांतर चतुर्भुज का यदि एक कोण 90 डिग्री हो तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होती है, एक आयत होती है। इसलिए ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। इसलिए ए बी सी डी एक आयत है, हेंस प्रूफ। ओके, तो इसमें आपने क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देना है भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। फिर इन दोनों कोणों का योग 180 है और ये दोनों कोण सी पी सी टी द्वारा बराबर है, तो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। और सर्वांग समांतर चतुर्भुज में यदि एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो क्या होता है, वो समांतर चतुर्भुज एक आयती होता है। तब तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। आगे प्रश्न नंबर 3 दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर सम विभाजित करें तो वह एक सम चतुर्भुज होता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि ए बी सी डी हमारे पास एक चतुर्भुज है और इसके विकर्ण ए सी और बी डी
परस्पर औ पर प्रतिच्छेद करते हैं और ये एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हैं। तो माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तथा ए सी बी डी पर ए सी और बी डी परस्पर समकोण है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में हम ये वाले त्रिभुज लेते हैं ए ओ डी तथा सी ओ डी। इसमें देखो कि ओ ए बराबर ओ सी ये आपको दिया है और कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी ये भी आपको दिया है क्योंकि दोनों एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और ये भुजा जो ओ डी है ओ डी बराबर ओ डी क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा अब देखिए भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी सर्वांग सम होगी। त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के। ओके अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो ए डी जो है वो सी डी के बराबर होगी। ए डी बराबर सी डी क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है क्योंकि सी पी सी टी द्वारा। ओके जैसे ए डी सी डी के बराबर है उसी तरह से हम इन दोनों त्रिभुजों को भी पहले जैसे इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया है उसी तरह से अगर इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो डी सी बी सी के बराबर होगी। फिर इनको सर्वांग सम करेंगे तो बी सी जो है वो ए बी के बराबर होगी। तो इसी तरह डी सी जो है वो बी सी के बराबर तथा बी सी ए बी के बराबर हो जाएगी अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। क्योंकि एक ऐसी चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो समचतुर्भुज कहलाती हैं। तो इस तरह से हम
इस चतुर्भुज एबीसीडी को समचतुर्भुज शो कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित विभाजित करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं एबीसीडी हमारे पास एक वर्ग है और एसी और बीडी इसके दो विकर्ण हैं। तो यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ कि विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं तो इसका मतलब बीडी बराबर एसी आपको एक तो ये सिद्ध करना है। दूसरा, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं इसका मतलब ये जो बिंदु O है ये दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है, अर्थात OA बराबर OC, OA बराबर OC सिद्ध करना है। दूसरा, OB बराबर OD, OB बराबर OD ये सिद्ध करना है। और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर करते हैं इसका मतलब ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, यानी कोण COD और कोण AOD ये दोनों बराबर है, कोण COD बराबर कोण AOD, ये इसको DOA और DOC भी कह सकते हैं आप। ये दोनों किसके बराबर सिद्ध करना, आपने 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए, मैंने समय बचाने के लिए थोड़ा सा पहले लिख के रख लिया है कि यहाँ पर माना ABCD एक वर्ग है तथा AC और BD इसके दो विकर्ण हैं, AC और BD इसके दो विकर्ण हैं जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जैसा मैंने समझाया ऐसा कैसे लिख दिया है। अब आपने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एक तो दोनों विकर्ण बराबर है यानी BD बराबर AC, दूसरा ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं यानी OA बराबर OC और OD बराबर OB, और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब ये कोण समकोण है यानी कोण AOD बराबर कोण COD बराबर 90 डिग्री आपने ये सिद्ध करना है। ओके, तो अब देखिए इसका पहला पार्ट सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे। त्रिभुज ABD यानी ये वाली त्रिभुज लेंगे एक, तो ध्यान से देखना कौन कौन से त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, एक तो कोण त्रिभुज ABD ले रहा हूँ और दूसरी जो त्रिभुज मैं ले रहा हूँ यहाँ पर वो है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ये मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। ओके, अब ये जो दो त्रिभुजें हैं इनको मैं सर्वांगसम सिद्ध करूँगा। सर्वांगसम देखो बिल्कुल हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, कैसे कि AD भुजा BC के बराबर है और ए बी दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी उभयनिष्ठ भुजा है और ये कोण 90 डिग्री का है और ये कोण भी 90 डिग्री का, क्योंकि ये ए बी सी डी एक वर्ग दे रखा है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम से ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांगसम होगी। तो पहले इनको सर्वांगसम के लिए मैं क्या लिखूँगा कि जैसे मैंने आपको समझाया कि AD बराबर BC क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं, और इसी तरह से AB बराबर AB, AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा है, कोण A बराबर कोण B प्रत्येक 90 डिग्री है क्योंकि ये वर्ग का कोण है, वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री होता है आपको पता ही है। तो अब देखिए भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम से, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज बी ए सी के सर्वांगसम होगी। तो ये देखिए कि आपको ये त्रिभुज सर्वांगसम लिखते टाइम ध्यान रखना कि
ए का संगत बिंदु बी है, तो ए का बी है, फिर हम गए इधर ए बी डी, तो यहाँ बी ए सी, सी डी का सर्वांग सम है। ठीक, तो इस हिसाब से आपने बिल्कुल सही सही करके सर्वांग सम त्रिभुजें लिखनी है। अब यहाँ से हमारा पहला पार्ट जो है बी डी बराबर ए सी, ये सिद्ध हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर, तो बी डी बराबर ए सी, तो बी डी बराबर ए सी है। क्यों? क्योंकि सी पी सी टी द्वारा। तो यहाँ से हमने ये सिद्ध कर दिया कि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट सिद्ध करेंगे कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी, इससे सिद्ध हो जाएगा कि सम द्विभाजित करते हैं। तो इसमें देखिए कि हम दो त्रिभुजें कौन कौन सी लेंगे, एक तो लेंगे ओ ए डी, दूसरा ओ बी सी। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि ये भुजा इसके बराबर है, क्योंकि वर्ग की भुजाएं पहली वाली तरह से ही हैं। और अब ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। अब देखिए मैं कौन कौन सी त्रिभुज ले रहा हूँ, एक तो ये वाले त्रिभुज ले रहा हूँ, ओके, और दूसरी ये इधर वाले त्रिभुज ले रहे हैं। ओके, इन्हीं पे पूरा ध्यान दें आप कि यहाँ पर एक एक तो भुजा बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, क्यों? क्योंकि एकांतरअंत कोण। इसी तरह से ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये भी एकांतरअंत कोण है। तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुजें बराबर हो जाएगी। ये दोनों त्रिभुजें बराबर है तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी हो जाएगा। तो इसको देखिए लिखते कैसे हैं। पहले तो इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम सिद्ध कीजिए कि ए डी बराबर बी सी, फिर ये वाला कोण, कोण ये वाला ले लिया पहले ओ डी ए, इस कोण का नाम क्या है? ओ डी ए, ये वाला कोण इसके बराबर है, इस कोण का नाम ओ बी सी, क्योंकि एकांतर अंत कोण है। फिर ये वाला कोण इस कोण के बराबर, इसका नाम क्या है? ओ ए डी, तो इसका ओ सी बी, तो दोनों का रीजन हम यही देंगे क्योंकि ये एकांतर अंत कोण है। तो कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम होगी त्रिभुज ओ सी बी की। अगर ये सर्वांग सम होगी तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी। क्यों? क्योंकि सी पी सी टी द्वारा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों द्वारा। अब हमें तीसरी बात सिद्ध करनी है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि वर्ग के विकर्ण सम द्विभाजित करते हैं। इसका मतलब वर्ग के विकर्ण सम द्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर सम द्विभाजित करते हैं। अब एक बात और रह गई कि ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। अब ये दोनों कोण देखिए कौन कौन से त्रिभुज में आते हैं, एक तो इसमें है और दूसरा इसमें। ठीक, अब इन दोनों त्रिभुजों को देखें, कौन कौन से त्रिभुज को देखोगे, किसको और एक इसको देखोगे। तो इस त्रिभुज का नाम
त्रिभुज ओ ए डी, त्रिभुज ओ ए डी तथा त्रिभुज ओ सी डी में, इनमें देखिए कि ए डी सी डी के बराबर है, ए डी बराबर सी डी, और ओ डी दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। ये क्यों? क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं और वर्ग की भुजाएं आपको पता है कि बराबर होती हैं, और ओ डी बराबर ओ डी क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है और ओ ए बराबर ओ सी अभी हमने सिद्ध किया है भाग दो द्वारा। ओके, अब देखिए भुजा 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 तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम होगी त्रिभुज ओ सी डी की। अगर ये सर्वांग सम है तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी, ठीक। लेकिन ये हमें पता है कि देखिए रैखिक युग्म एक ही रेखा के ऊपर है दोनों कोण, तो रैखिक युग्म है तो कोण ए ओ डी प्लस कोण सी ओ डी दोनों का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। अब दोनों का टोटल 180 डिग्री है, लेकिन ए ओ डी किसके बराबर है? कोण सी ओ डी के बराबर, तो कोण सी ओ डी प्लस सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। यहाँ से दो सी ओ डी प्लस सी ओ डी, दो सी ओ डी हो गया बराबर 180 डिग्री, या कोण सी ओ डी बराबर 90 डिग्री। कोण सी ओ डी बराबर 90 डिग्री है, इसका मतलब कोण ए ओ डी भी 90 डिग्री है, ठीक। तो ये चीज़ भी हमने सिद्ध कर दी। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि बी डी बराबर ए सी तथा ओ ए बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ बी तथा कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी बराबर 90 डिग्री है, इसलिए वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तथा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ओके, अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न नंबर 4 का विलोम है एक किस्म से। कहता है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। तो पिछले में तो हमें वर्ग दिया था और इसके विकर्ण हमने बराबर सिद्ध किए थे और इनका समद्विभाजन भी हमने बराबर सिद्ध किया था। इस बार हमें विकर्ण बराबर दे दिए और परस्पर समद्विभाजित करते हुए भी दे दिए। अब हमें सिद्ध करना है कि ये एक वर्ग है। वर्ग के लिए हम क्या सिद्ध करेंगे? हम ये सिद्ध करेंगे कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है, और इसके अलावा इसका एक कोण 90 डिग्री का है।
तो यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह क्या होता है? वर्ग होता है। तो ये दो चीजें सिद्ध करना काफी है। तो यहां पर माना ए बी सी डी क्या है? एक ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, वर्ग नहीं कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको चतुर्भुज ही दिया हुआ है। तथा इसके दो विकर्ण हम ड्रा कर देते हैं, ए सी और बी डी। ये माना कि ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा ए सी और बी डी इसके दो विकर्ण हैं जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आपको यहाँ पर दिया क्या है? दिया है कि विकर्ण बराबर है। विकर्ण बराबर है तो ए सी बराबर बी डी दे दिया, ए सी बराबर बी डी। और परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब ओ ए बराबर ओ सी तथा ओ बी बराबर ओ डी, ये आपको दिया है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध आपको करना है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, एक तो ये सिद्ध करना है। और दूसरा कि कोई एक कोण, हम ये कह देते हैं कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, तो ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। अब इसकी उत्पत्ति देखिए, इसका प्रूफ भी कह सकते हैं हम, या प्रमाण भी कह सकते हैं इसको। तो प्रमाण के लिए पहले आप कौन कौन सी त्रिभुज लेंगे? यहाँ पर आप त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ सी ले लें, या कोई भी दो त्रिभुज आप यहाँ पर ले सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। यहाँ पर त्रिभुज एक ये वाली त्रिभुज, कोई भी दो लगातार ले लो, दूसरी ये ले लेते हैं, ठीक। त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ बी सी, अब यहाँ देखिए कि